हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। सो गाइस, आज हम लोग डीएनएस के बारे में समझने वाले हैं कि डीएनएस क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई पहल स्टार्ट की है। पहल ये है कि हम लोग हर एक मॉड्यूल वाइज के वीडियो में क्वेश्चन पूछते हैं और जो भी उन क्वेश्चन के आंसर सही लिखता है तो मैं उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि FDDI के बारे में, तो उन्होंने लिखा हुआ है, एक हमारे व्यूअर हैं हाफिज़ अली, उन्होंने लिखा हुआ है कि FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस और यह डुअल रिंग टोपोलॉजी पर आधारित होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम भी डिस्प्ले किया रहा है तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो पूरा देखना है और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँ आप उसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं डेफिनेटली आपका नाम भी यहाँ पर शो करूँगा। तो चलते हैं डीएनएस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सिंपल से बात यह है कि अभी हम लोग डीएनएस के बारे में नहीं समझेंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको डीएनएस से कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। आपके पास मोबाइल है और आपके मोबाइल में कई सारे नंबर्स हैं आपके रिलेटिव के, यानी कि आपके सगे संबंधी के। तो क्या आपको उन अपने सगे संबंधी के नंबर याद हैं? नहीं। लेकिन आपने क्या की कर रखा है, आपने उनके नंबर्स को एक नाम दे रखा है और जब भी आपको आवश्यकता होती है तो आप उस नेम को कॉल करते हैं, यानी नेम पे सर्च करते हैं और आप उस नेम को क्लिक करके उनके नंबर को डायल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मेन है वो आपका है नेम, यानी कि आपको आपके लिए यानी ह्यूमन के लिए एक नेम को याद रखना मुश्किल है जबकि किसी नंबर को याद रखना कठिन होता है। तो ये आप नेम के सहायता से आप किसी का भी नाम आराम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं नंबर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस जो आपका होता है वो आपका होता है डीएनएस। डीएनएस बेसिकली क्या करता है, अब मान लीजिए आप जानते हैं कि जो भी आपके वेबसाइट्स होती हैं, कंप्यूटर्स होती हैं, उनका एक अपना आईपी एड्रेस होता है और जो आपका ये आईपी एड्रेस होता है ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो जाहिर सी बात, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, तो उनका आईपी एड्रेस याद रख पाना बहुत ही नामुमकिन है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया, उनका एक बनाया गया नेम कि आप उस नेम के थ्रू आप उस आईपी एड्रेस के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि मान लीजिए आपके पास जो मेरी एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, subdss.blogspot.com, ठीक है, ये आपका एक डोमेन नेम है। तो जब भी आप कोई पेज हमारा ओपन करते हैं, ठीक है, जब भी आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट सर्च नहीं होती है, लेकिन जो ये वेबसाइट आपको डोमेन नेम दिया गया है इसका एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, क्या है, इसका एक आईपी एड्रेस है। उस आईपी एड्रेस को आप एक्सेस करके आप कंटेंट को एक्सेस करते हैं। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा ये समझो दोबारा से ध्यान से। ये वेब सर्वर है, ये क्या है, ये एक वेब सर्वर है जहाँ पे जो मेरी वेबसाइट का कंटेंट है ये यहाँ पे लोड हुआ है। ये आप हैं, आपने आप चाहते हैं कि हम इस वाली वेबसाइट यानी कि subdss.blogspot.com को विजिट करें। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से सर्च किया subdss.blogspot.com। तो यहाँ पर क्या है, इस सर्वर के पास इस डोमेन नेम का एक आईपी एड्रेस है, यानी कि आप यहाँ पर आईपी एड्रेस की सहायता से ही किसी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको आईपी एड्रेस याद नहीं है लेकिन उसका एक डोमेन नेम है, तो आपने यहाँ से उस डोमेन नेम को सर्च किया और डीएनएस क्या करता है, एक सर्वर है ये तुरंत आपके डोमेन नेम को चेंज करता है इसमें आईपी एड्रेस में और यहाँ से इस वेब सर्वर से इंटरकनेक्ट हो जाता है और यहाँ से आपको कंटेंट देना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डीएनएस के बारे में। अब समझते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। आप जानते हैं जो आपका आईपी एड्रेस होता है, जो आपका आईपी एड्रेस होता है ये क्या होता है, ये डायनेमिक होता है, लेकिन जो आपका होता है डीएनएस ये आपका क्या होता है, स्टैटिक होता है। भैया इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन जो आपका डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि मेरे भाई जैसे मान लीजिए आपने रखा नाम subdss, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक डोमेन नेम है, इसका कुछ एक आईपी एड्रेस होगा। मान लीजिए आपने जो रजिस्टर किया है डोमेन नेम वो आपका GoDaddy पे है, किस पे है, GoDaddy पे है, आपने इनसे रखा था, इनके सर्वर से होस्ट, ठीक, आप अपने इनकी वेबसाइट से होस्ट कर रखा था, आपकी इनकी नहीं बटी और आपने किसी अन्य जो आपका वेब होस्टर जो वेब सर्वर जो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपने उससे इंटरनेट किया, तो इस केस में जो आपका डोमेन नेम होता है वो सेम रहता है लेकिन जो आपका आईपी एड्रेस था ना, पहले आपका यहाँ पर था GoDaddy में, अब आप एक नई वेबसाइट पर आ चुके हैं तो आपका यहाँ से आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले आपकी वेबसाइट GoDaddy के सर्वर पर थी और आपकी वेबसाइट आप किसी अन्य सर्वर पर आ चुकी है, तो आईपी एड्रेस आपका चेंज हो चुका है लेकिन जो आपका डोमेन नेम था वो एज इट इज़ है, ठीक है।
अब समझते हैं इसका काम करने का तरीका क्या है, काम कैसे करता है। आपका ये ब्राउज़र है, ठीक है, आपने इस ब्राउज़र में सर्च किया मेरी वेबसाइट sabdss.blogspot.com, इतना टाइप करने के बाद आपने एंटर किया, ठीक है। तो इंटर करने के बाद जो ब्राउज़र होगा सबसे पहले वो अपना काम करेगा। ब्राउज़र क्या करेगा, जो आपने यहाँ से डोमेन नेम सर्च किया है, ठीक है, वो देखेगा कि भैया क्या मेरे जो कैश मेमोरी है क्या उसमें इस डोमेन नेम का कोई आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो अगर उसमें आईपी एड्रेस आपको मिल जाता है, यानी कि वहाँ से उसका आईपी एड्रेस को मिल जाता है, तो क्या करेगा, वो तुरंत आपको उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर देगा और आपको कंटेंट देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन बाय चांस अगर उस ब्राउज़र को कैश मेमोरी में उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस नहीं मिला तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र इस वाले जो इसने डोमेन नेम है आपने सर्च किया ना, इसको किसको ट्रांसफ़र करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिजॉल्वर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक नया वर्ड दिखा होगा कि भैया ये रिजॉल्वर क्या होता है, तो मेरे भाई जो आपका होता है ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्वर। आपने डाला एक URL जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, आप डोमेन नेम आपने वहाँ से सर्च किया, वो गया ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र ने अपनी कैश में चेक किया, उसको वहाँ से नहीं मिला, तो उसने तुरंत उस रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको रिजॉल्वर को ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, इसके बाद मेन कहानी क्या होती है, जो रिजॉल्वर होगा वो अपनी खुद की, जो रिजॉल्वर की खुद की कैश मेमोरी होगी वो उसमें चेक करेगा भैया कहीं मेरे पास इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो अगर इसके पास नहीं होगा तो इस केस में क्या करेगा, वो सभी रूट जो आपकी ISP होती है, जो आपकी रिजॉल्वर होती है, इसके पास सभी रूट की जानकारी होती है, तो वो क्या करेगा। अब बात आती है यहाँ पे भैया कि आपके रूट क्या होते हैं, तो रूट जो आपके जैसे आपका होगा DTLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन, जैसे आपका होगा .com .org .in .government, आपके क्या हैं, ये आपके TLD हैं यानी कि टॉप लेवल डोमेन है। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ से पहले देखा कि जो आपने दिया था sabdss.blogspot.com, इसमें जो आपका सब डोमेन है वो क्या है, उसने देखा यहाँ पे .com है, तो इसने क्या किया, इसने .com को बोलते हैं उसने इम्प्लीमेंट किया, यानी कि उसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद इसने इस sabdss का जो एक्चुअल डोमेन नेम था उसने इस .com को पास किया और वहाँ से वो अथॉरिटेटिव के से वहाँ से उस रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस मिल जाएगी और उस आईपी एड्रेस को रिजॉल्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको ट्रांसफ़र कर देगा, ब्राउज़र को। तो इस तरह से वहाँ से उस वेबसाइट को लोड किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर DNS के बारे में जानकारी हो गई होगी। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, आपने कोई डाला डोमेन नेम, आपने सर्च किया, ब्राउज़र ने अपनी कैश मेमोरी में देखा कि भैया मेरे पास कोई डोमेन नेम तो है नहीं, इसका आईपी एड्रेस तो नहीं है, तो मालूम पड़ा वहाँ पे उसके पास नहीं है, अगर होता तो तुरंत वहाँ से इसको इंटरकनेक्ट कर देता उस आईपी एड्रेस से और आपको जो वेबसाइट आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी आपको वहाँ से मिल जाती। लेकिन वहाँ पे मिला नहीं, तो उसने क्या किया, उसने उस रिक्वेस्ट को किया ट्रांसफ़र किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको ट्रांसफ़र किया, रिजॉल्वर को, और रिजॉल्वर ने उसके पास सभी रूट्स होते हैं, उसने उस रूट को चेक किया और उसने जो आपका .com था उसने उसको सेंड किया और वहाँ से उसने एक्चुअल डोमेन नेम को सर्च किया और वहाँ से उसके आईपी एड्रेस को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद रिजॉल्वर ने उस आईपी एड्रेस को दिया किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको दे दिया ब्राउज़र को, और ब्राउज़र ने उस आईपी एड्रेस के थ्रू जो आपका वेबसाइट थी उसको लोड कराया और आपको डिस्प्ले कर दी। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर DNS के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती रहे। और आप ध्यान दीजिए, जो आपका होता है DNS ये बेसिकली 3 सर्वर से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, पहला आपका होता है रूट सर्वर, दूसरा आपका होता है प्राइमरी सर्वर, तीसरा आपका होता है सेकेंडरी सर्वर। तो आपको DNS के बारे में जानकारी हो गई होगी, ये काम कैसे करता है, मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर दीजिए और साथ ही आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे उन भाई बहन तक पहुँचे जिनको DNS के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, तो के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको बताना है कि जो आपका होता है SMTP होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस पोर्ट पे काम करता है, और साथ ही आपको बताना है जो आपका TCP/IP होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस पोर्ट पे काम करता है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।